गन्नौर के उपमंडल गांव खेड़ी गुर्जर गांव के रवि हत्याकांड में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते पीड़ित परिजनों के साथ काफ़ी तादाद में ग्रामीण पुलिस थाने में पहुंचे। पीड़ितों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाए हैं। आरोप है कि पुलिस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। वहीं SHO दिनेश कुमार ने लोगों को दो दिन से भीतर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मामले में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर ले रखा है। जल्द ही मामले में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए जानते हैं मृतक के भाई व जांच अधिकारी ने मामले में क्या कहा। आपका क्या मामला है? ये भाई की मृत्यु हो गई, उन्होंने मर्डर केस किया है। किसने? किसने? विक्की है, सोनी है, एक वो जी जगजीवन। किस बात को लेकर? ये जी रंजिश थी पहले से। अच्छा, फिर आज लोगों की क्या मांग है आपने? हम लोग की यही मांग है जी, हमारा पूरा फैसला होना चाहिए जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई की जैसे मृत्यु हुई है, मेरे भाई का मर्डर किया है, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से? अब पुलिस की कार्रवाई अभी तक कोई नहीं, पुलिस की कार्रवाई पूरी चाहिए। अब किससे मिले? किससे मिले आप यहाँ के? यहाँ जैसे SHO साहब से मिले। क्या क्या SHO ने? SHO ने दो दिन का टाइम मांगा सर। सुरेश गन्नौर थाना से। क्या मामला है सर? ये मामला ये जी 15 तारीख को झगड़ा हुआ था, जगजीवन सोनी और इनका आपस में पड़ोसी हैं, रवि जो मरने वाला है और प्रवीण इसका भाई है, इनका आपस में कुछ कया सुनी होगी तो उसमें झगड़ा हो गया था, तो उसमें सिर में चोट आई, जिसमें उन्होंने जगजीवन ने और सोनी ने इसके सिर में चोट मारी थी रवि को, इलाज के लिए जा रहे थे, तो वहाँ रस्ते में फिर इनका झगड़ा होना बताया गया। फिर ये रोहतक चले गए इलाज के लिए, काफ़ी सीरियस हो गया था रवि, और रवि की दौरान ट्रीटमेंट वहाँ रोहतक PGI में मौत हो गई थी 17 तारीख को, और दो हमने अपराधी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनका एक दिन का फर्दिंग साफ लिया था, रिमांड में हो, आज दोबारा कोर्ट में पेश करेंगे, जो कोर्ट के आदेश होंगे वो मान्य हैं, और जो बचे हुए दो हैं उनको उनसे पूछताछ करके जल्दी उनको गिरफ्तार करके। आज ये आए थे क्या मामला था ये जो? आज ये इसलिए आए थे भाई, जो दो अन्य आरोपी हैं वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होने की हैं, तो उनको भी हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।